हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सुभाषितानी नामक पाठ पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। बच्चों, इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना व समझना, क्योंकि इसमें जो शिक्षा दी जाती है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। तो पहला श्लोक क्या है बच्चों? पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम मन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो बच्चों, इसका अन्वय देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, यानी है जलम अन्नम, जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर वचन यानी मधुर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े माने मूर्ख, पाषाण खंडेशु माने पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित यानी मधुर वचन, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल अन्न और सुभाषित है यानी मधुर वचन है। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या है? सत्येनि धारयते पृथ्वी, सत्येनि तपते रवि, सत्येनि भाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात अन्वे देखते हैं। सत्येनि पृथ्वी धारयते, सत्येनि रवि तपते, सत्येनि वायुश्च भाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ क्या है बच्चों? आइए समझते हैं। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है, यानी संसार, ये पूरा संसार क्या है? सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं बच्चों। अगला क्या है? धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। देखिए इसका अन्वय क्या है। धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायः संग्रहेषु च आहारे व्यहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इसका अर्थ क्या है बच्चों? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। तो बच्चों, इन बातों को जो कि सुभाषितानी में आपको सिखाई जाती हैं, उनको जीवन में अवश्य ही यानी धारण करना। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। क्षमा बसी कृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। देखिए इसका अन्वय क्या है। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड़गः अस्ति दुर्जनः तस्य किम करिष्यत। अर्थात किमपि न, अर्थ क्या है इसका? इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अब कितना भी कोई व्यक्ति क्रोध में हो, यदि आप उसके सम्मुख हाथ जोड़ते हैं या माफी मांगते हैं या उससे प्रेम से बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हो, तो उसका क्रोध एकदम से शांत हो जाता है। क्षमा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं हो सकता, इसीलिए क्षमा रूपी खड़ग अवश्य ही धारण करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा वशीकरण है। तो बच्चों, ये तो थे सुभाषितानी से संबंधित कुछ श्लोक जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपके होमवर्क में मिलेंगे। उन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना, कॉपी पर लिखना, क्योंकि लाइव क्लास में हम आपसे वो प्रश्न लिखवाएंगे व उनका उत्तर सुनेंगे, और इन श्लोकों को और इनके अर्थ को अच्छे से याद करना, पढ़ना, समझना, क्योंकि मैं इन श्लोकों को सुनूंगी और इनका अर्थ भी सुनूंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर सुभाषितानी से संबंधित जो श्लोक मैंने आपको पढ़ाए हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आपके होमवर्क में हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में दे, यानी वन वर्ड आंसर करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, पृथ्व्याम कति रत्नानि त्रीणि मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु पृथ्वी के निधारेते सत्येनि कै संगति कुरुवीत सदवी लोके वशीकृति कह क्षमा। तो इसी तरह से आपको इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, ये तो सुभाषितानी पाठ हो गया, उससे संबंधित प्रश्न हो गए। अब आइए व्याकरण के विषय में जानते हैं। व्याकरण में आज मैं आपको स्वर संधि के विषय में पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और स्वर संधि के विषय में अच्छे से समझना व कॉपी पर लिखना और याद करना। बच्चों, संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसको पढ़ने से पहले आइए जानते हैं संधि क्या है। जब दो व्यक्तियों या राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तो उनके विवाद को शांत करा के उनके बीच मेल कराया जाता है, इसे संधि कहते हैं। इस संधि में कुछ शर्तें दोनों पक्षों को माननी पड़ती हैं। इसी प्रकार व्याकरण में दो ध्वनियां स्वर और व्यंजन के बीच संधि की जाती है। दो ध्वनियां होती है, आप जानते हो, स्वर और व्यंजन, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। संधि शब्द का अर्थ है मेल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो ध्वनियों का उच्चारण आपस में मिलकर एक साथ हो जाता है। जब हिम तथा आलय शब्द मिलते हैं, तो हिम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है बच्चों, हिम मा में आ है। अगर आ नहीं होता तो मा में हलंत लगा होता है। आप तो ये अच्छे से जानते हो कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, और क्योंकि व्यंजन तो आधे होते हैं, और जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता है उनमें हलंत लगा होता है। तो हिम के मा में आ है, हिम के माँ की यानी शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा आलय शब्द की प्रथम ध्वनि आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाते हैं, यानी दीर्घ आ बन जाते हैं। अतः हिम प्लस आलय शब्द को बोलने वाला व्यक्ति इसका उच्चारण हिमालय करता है। तो बच्चों, आपने जाना कि संधि किसे कहते हैं, आइए इसको विस्तृत रूप से आपको समझाते हैं। अब आइए जानते हैं संधि की क्या पहचान, क्या परिभाषा होती है। संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो दो वर्ण मिलते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने पर जो परस्पर परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। आइए जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं,
यानी संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। और इसमें भी स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। आज हम लोग स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं बच्चों, आइए जानते हैं। स्वरों के परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। यानी जब स्वर के बाद कोई स्वर आए और उससे जो परिवर्तन हो तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। चाहे आ के बाद आ जाए, ई के बाद ई आए, या उ के बाद उ आए। यानी स्वर के बाद यदि कोई स्वर आता है और उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। आइए उसके विभिन्न भेदों के विषय में जानते हैं कि स्वर संधि कौन कौन से प्रकार होते हैं स्वर संधि के। नंबर एक दीर्घ संधि, नंबर दो गुण संधि, नंबर तीन वृद्धि संधि, नंबर चार यण संधि, नंबर पाँच अयादि संधि। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं दीर्घ संधि की क्या पहचान है, उसके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो बच्चों दीर्घ संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी आ ई और ऊ बन जाते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि यदि ह्रस्व दीर्घ आए, चाहे छोटा आ ई ऊ आए, चाहे बड़ा आ ऊ आए, कहने का मतलब आ के पश्चात यदि आ आता है तो बड़ा आ हो जाएगा यानी दीर्घ आ हो जाएगा। ई के पश्चात यदि ई आती है तो बड़ी ई हो जाएगी, और ऊ के पश्चात यदि ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। चाहे फिर बड़ी ई आए, दीर्घ ई आए, चाहे ह्रस्व ई आए, चाहे ह्रस्व आ आए, चाहे दीर्घ आए, यानी आ के बाद यदि आ आए, कहने का मतलब चाहे वह ह्रस्व आ हो, चाहे दीर्घ आ हो, चाहे ह्रस्व आ पहले हो, चाहे दीर्घ आ पहले हो और बाद में ह्रस्व हो, या दोनों ही दीर्घ हो, दोनों दीर्घ आ हो, तब भी आ के बाद यदि आ आया है तो दीर्घ ही हो जाएगा। आ आ मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे, चाहे बड़ा आ आ मिलकर, यानी उसको देखिए हम सामान्य भाषा में बड़ा आ इसलिए कह रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दीर्घ आ और ह्रस्व आ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आइए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप भी इसको बहुत ध्यान से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा संधि में कैसे परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे आ प्लस आ यानी दीर्घ आ, आ प्लस दीर्घ आ यानी ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ बराबर बड़ा यानी दीर्घ आ, और दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। तो इसी तरह से देखिए परिवर्तन होता है बच्चों। चाहे छोटा आ के बाद छोटा आए तो बड़ा आ हो जाता है, चाहे ह्रस्व यानी छोटा आ के बाद बड़ा आता है तब भी बड़ा आ हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि आ के बाद आ आएगा तो उसको दीर्घ ही हो जाना है, चाहे भाई बड़ा आए तब भी उसको दीर्घ होना है। और देखिए अब ई का भी यही है, ई के पश्चात यदि ई आती है तो बड़ी ई हो जाएगी, और यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई यानी ह्रस्व के बाद दीर्घ ई आई है तब भी दीर्घ ही हो जाएगी, और दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, और दीर्घ ई ई ई ई बराबर बड़ी ई यानी दीर्घ ई हो जाएगी।
आप देखिए ऊ के विषय में, ऊ के बाद यदि ऊ आता है तो ऊ हो जाएगा, यानी दीर्घ ऊ हो जाएगा। ऊ के पश्चात देखिए ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आया, तब भी दीर्घ ही हो जाएगा। और ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, और ऊ ऊ यानी दीर्घ ऊ है तब भी दीर्घ ही हो जाएगा। आइए इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे दीर्घ संधि के विभिन्न उदाहरण, देव प्लस आलयः बराबर देवालयः। अब देखिए देव के वा में क्या है, दीर्घ यानी लघु आ है, यानी ह्रस्व आ, और आलयः के आ में जो प्रथम वर्ण दीर्घ आ है, दोनों मिलकर क्या बन गए, दीर्घ आ बन गए, तो क्या बना शब्द, देवालयः। हाँ देखिए दूसरा उदाहरण, देखिए इसका दूसरा उदाहरण क्या है, विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्यार्थी। तो विद्या में जो अंतिम आ है वो कैसा है, दीर्घ आ है, और अर्थी में जो प्रथम वर्ण है वो ह्रस्व है। दोनों आ आ होने की वजह से ये दीर्घ हो गए, यानी विद्या के का अंतिम वर्ण भी आ है और अर्थी का प्रथम वर्ण भी आ है, दोनों मिलकर दीर्घ हो गए, तभी शब्द बना विद्यार्थी। क्या बना, विद्यार्थी। देखिए आ प्लस आ बराबर दीर्घा। तो इसी तरह से बच्चों आपको अच्छे से समझना है। अब आइए इसे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण क्या है, मुनि प्लस इंद्रः। अब यहाँ पर देखिए मुनि, मुनि का अंतिम वर्ण ना में ई है और इंद्र का प्रथम वर्ण ई, तो दोनों ई मिलकर क्या बन गए, दीर्घ हो गई और मुनिंद्रः शब्द बना। अब नीचे देखिए स्पष्टीकरण, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई हो गई, ई ई मिलकर ई बन गई। तो बच्चों आज आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे दूसरा उदाहरण देखिए, कपीसः। अब देखिए कपि प्लस ईसः। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए, कपि यानी पा में छोटी ई है दीर्घी, और ईसः में जो प्रथम वर्ण ई है वह कैसी है, दीर्घ है, और कपि में ह्रस्व ई है और ईसः में दीर्घी, दोनों जब मिलती हैं आपस में तो दीर्घ ई का निर्माण होता है, तभी देखिए कपीसः में बड़ी ई यानी बड़े ई की मात्रा लग गई है, ई प्लस ई यानी दीर्घी। अब आइए उसे संबंधित उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण दिया है भानु प्लस उदयः, भानु दया। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या है, ऊ प्लस ऊ यानी दीर्घ। देखिए भानु में ह्रस्व ऊ है और उदया में भी ह्रस्व ऊ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो गए, तो क्या बना, भानु दया। अब अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है लघु प्लस ऊर्मि यानी लघुर्मि। क्या शब्द बना, लघुर्मि। तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ बराबर क्या बना, बड़ा ऊ यानी दीर्घ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे दीर्घ ऊ आए, चाहे ह्रस्व ऊ आए, चाहे दोनों ही ऊ दीर्घ ही हो, लेकिन दोनों वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो दीर्घ ही हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो दीर्घ संधि थी। अब आइए गुण संधि के विषय में जानते हैं। गुण संधि की क्या परिभाषा, क्या पहचान है बच्चों? तो पहला नियम क्या है, यदि आ अथवा आ के आगे ई ई आए तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है। और यदि दूसरा नियम क्या है, यदि आ आ के आगे उ ऊ आए तो दोनों के मिलने से अ बन जाता है। और यदि आ अथवा आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बन जाता है। आइए इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। अब पहला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या है, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर।
तो इसका क्या होगा? देखिए परम यानी माँ में क्या है आ, और ई, और ई जब यानी कहने का मतलब आके पश्चात यदि ई आता है तो क्या हो जाता है ए हो जाता है, तो क्या शब्द बनेगा परमेश्वर। एक ही मात्रा लग जाती है बच्चों। अब अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है महोत्सव, महा प्लस उत्सव तो क्या बना महोत्सव। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या होगा, महा के आ जैसे महा में क्या कौन सा वर्ण छुपा है आ और उ, जब आ के पश्चात उ आया तो क्या हो गया अ हो गया, तो क्या बना महोत्सव, अ की मात्रा लग गई महोत्सव। अब अगला उदाहरण देखिए, राज प्लस ऋषि राज ऋषि तो रा के रा में क्या है राज के जामे आ है और री आया है, तो जब आके पश्चात री आता है तो किस में बदल जाता है अर में बदल जाता है, तो क्या हो गया राज ऋषि जामे आ और रा राज ऋषि। अब आइए अगली संधि के विषय में जानते हैं। अगली संधि है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की क्या पहचान है, यदि आ अथवा आ के आगे ए ऐ आए तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है, और यदि आ आ के आगे ओ औ आए तो दोनों के मिलने से अ बन जाता है। तो बच्चों आइए इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है, सदा प्लस एब तो क्या हुआ सदैव, तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा बच्चों, आ प्लस ए बराबर आ प्लस ए बराबर ए बन गया, क्या बन गया ए बन गया, तो क्या हो गया सदैव। अब देखिए ए की मात्रा लग गई तो सदैव बन गया। दूसरा उदाहरण महा प्लस औषध महौषध तो क्या हुआ आ प्लस ओ बराबर ओ हो गया, अगर ओ आता तब भी ओ हो जाता और यहाँ पर ओ आया है तब भी ओ हो गया है, तो इसी तरह से ये वृद्धि संधि है। अब आइए अगली संधि के विषय में जानते हैं। अब अगली संधि है यण संधि। आइए इसकी पहचान जानते हैं, क्या परिभाषा है, यदि ई अथवा ई के आगे कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है ई ई का या हो जाता है, या हो जाता है, क्या हो जाता है या, और यदि ऊ ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ ऊ का उआ हो जाता है, और यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का रा बन जाता है। आइए इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हम देखिए पहला उदाहरण क्या है, इति प्लस आदि यानी इत्यादि, ई के बाद आ आया है इसीलिए क्या हो गया या हो गया, और जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ता वो आधा हो गया। यण संधि की यही पहचान है कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो हमेशा आधा ही हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सु प्लस आगत स्वागत, ऊ के पश्चात यदि आ आता है तो किस में बदल जाता है उआ में बदल जाता है। फिर अगला उदाहरण पित्र प्लस आज्ञा यानी पित्राज्ञा, री देखिए ता में री की मात्रा लगी हुई है और री किस में बदल जाएगी, री के पश्चात यदि आ आया है तो किस में बदल जाएगा रा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा पित्राज्ञा यानी त्रा में क्या है रा है, तो री किस में बदल गई रा में, इसीलिए शब्द क्या बना पित्राज्ञा। अब आइए अगली संधि के बारे में जानते हैं। अगली संधि है अयादि संधि। इसकी क्या पहचान है बच्चों, ए ऐ ओ औ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ हो जाता है, ए का आय हो जाता, ओ का औ हो जाता, औ का आ हो जाता है। आइए इसको विभिन्न उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है, नय प्लस अन नयन, तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा, ए के पश्चात आ आया तो क्या हो गया ऐ हो गया। अब अगला देखिए, गय प्लस अक गायक, तो ए के पश्चात आ आया तो आय हो गया,
यानी ए के पश्चात यदि आता है तो ए हो जाता है, ए के पश्चात आता है तो आय हो जाता है, तो क्या बना गायक, आयक, आय आया है। अब भव प्लस अन भवन, तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा, आओ प्लस आ, आओ के बाद आया तो क्या हो गया, आओ हो गया। अब अगला पाव प्लस अक पावक, तो इसमें क्या स्पष्टीकरण है, आओ के पश्चात आ आने पर आओ हो जाता है, यानी पावक। तो बच्चों ये तो थे स्वर संधि से संबंधित विभिन्न प्रकार, यानी स्वर संधि के विभिन्न रूप, जो मैंने आपको अच्छे से समझाए और आपने अच्छे से समझे। अब आपके लिए कुछ वर्क है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनकी आपको संधि विच्छेद करनी है, इनको अपनी कॉपी पर लिखिए और इनकी संधि विच्छेद कीजिए। लाइव क्लास में हम आपसे इनको करवाएंगे, इसीलिए इनको अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। आज के होमवर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी।